एक और शहर में लॉकडाउन के चलते लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं। इस दौरान कई युवा बेरोजगार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की जनता आर्थिक बदहाली का सामना कर रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक मोहन मते इन्होंने बीसीएन के समक्ष दी है। वुहान से आया कोरोना महामारी ने इस कदर लोगों को झकझोर के रख दिया कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ऐसे में जिस प्रकार से गाइडलाइन जो जारी की जा रही है, फिर चाहे प्रशासन हो, ये इस तरह के गाइडलाइन इन्होंने की है और ये बात की है कि अब 21 तारीख तक के शहर में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के चलते लोग तो काफ़ी परेशान है, क्या ऐसे में विधायक भी परेशान है या विधायक की अपनी क्या इसके विषय में क्या प्रतिक्रिया आई है जानते हैं। मोहन जी, ये पता है कि जिस तरह से लॉकडाउन का अपील तो की गई है, लोग पालन करते हुए नजर आ रहे, मगर लॉकडाउन क्या यही सोल्यूशन है क्या लोगों को जीवन जीने के लिए, उनके कामकाज बहुत प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन एक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। मैंने अगर खुद की जवाबदारी खुद ली और मैंने जो जो मेरे को करना है खुद को सुरक्षित रहने के लिए अगर मैंने करता हूँ तो लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम देखते हैं शादी के आयोजन हो रहे, वहाँ 1000-2000 लोग जा रहे हैं और कोई आयोजन वहाँ लोग जा रहे हैं, जहाँ मंदिरों में गर्दी हो रही है। तो जो जो संस्था है जहाँ जहाँ पर ये करना है तो उन्होंने अगर थोड़े प्रमाण में अगर किया तो ये सब लोग इसमें तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन प्रशासन जबरदस्ती जो लोग 3-4 महीने के लॉकडाउन के समय जो सफ़र हो गए, जिनके धंधे पानी चौपट हो गए, आज वो रास्ते पे आ रहे थे, वो फिर से तुम बंद करके उनको क्या मरवाना चाहते हो लोगों को? अरे उनको खाने को मिलेगा तो वो सब कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं। आज लॉकडाउन के कारण MPSC के बच्चे ने कल स्ट्राइक किया, 5 बार उनके एग्ज़ाम तुम पोस्टपोन कर रहे हैं, उनके अगर एज बढ़ रही है तो वो लोग करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है ये प्रशासन पूरा मुर्दाड़ प्रशासन है, इनको कहीं कुछ कर नहीं सकते। सही मायने में जो जो इन्होंने सहूलियत दी है, अगर तुमने लॉकडाउन पहले कार्य काय के लिए करे, लोगों को सजग करने के लिए लॉकडाउन करे, और इसके बाद जिस प्रकार से आज गर्दियाँ उमड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं। आज तुम मार्केट में जाओ, 1000 लोग मिलेंगे, तुम छोटे छोटे अलग अलग जगह मार्केट बसाओ ना, लेकिन एक ही जगह पे तुम करोगे और फिर शहर में लॉकडाउन बोलोगे, ये उचित नहीं मुझे ऐसा लगता है। सर, ऐसा भी कहा गया है कि जो बिना फिजूल का अगर सड़क पे घूमते हुए नजर आए तो पुलिस डंडे भी बरसाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसने देखा बिना फिजूल फिर रहा घूम रहा है, क्या काम से जा रहा है और तुम उसको मारोगे, ये कोई न्याय थोड़ी होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन के समय में मुझे तो ऐसा लॉकडाउन करना नहीं चाहिए, उन्होंने कोई लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं। आज जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, तुमने जो जिस प्रकार से टेस्टिंग भी बढ़ाई उसका भी थोड़ा सा है विषय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं। आज वैक्सीन आ चुकी है, धीरे धीरे जो जिनके 60-65 साल की उम्र है उनको पहले प्रायोरिटी पे उनकी वैक्सीन दी जाए और धीरे धीरे कम उम्र के लोगों को दी जाए। लॉकडाउन एक कोई सोल्यूशन नहीं और लॉकडाउन से फिर नागपुर शहर का नुकसान ही होने वाला है। बिल्कुल, आप थे विधायक मोहन मते जिन्होंने बखबर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं, लॉकडाउन से कोई भी ऐसा हल निकल नहीं सकता, उसके लिए हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन चलने से कई खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कई दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, कई लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग शारीरिक आर्थिक और मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोरोना से भयावह स्थिति इनकी इस प्रकार की दिखाई दे रही है, इसलिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने के ऊपर में फिर से एक बार विचार करना चाहिए और जिस प्रकार से जनता को जो परेशानी हो रही है उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बढ़ के जनता सर्वोपरि है और जनता है तो सब कुछ काम हो सकता है, और कोरोना का वैक्सीन है वो भी आ चुका है, इसलिए प्रशासन ने अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए कामकाज करना चाहिए, वरना लॉकडाउन के चलते लोगों में अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रियाएं शहर में निर्माण हो रही है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।